गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आदर शिक्षण संस्थान जोधपुर। स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 21 आंसर विद यस को पढ़ेंगे एवं समझेंगे। इसका रूल है, प्रत्येक इंट्रोगेटिव का उत्तर यस में देते समय यस के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा जाता है, यानी कि हमें जब यस में आंसर देना है तो उससे उसके बाद में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। यानी हम यस या नो का आंसर तभी दे सकते हैं जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ओके, नोट, आंसर में दिस स्थान पर इट लिखा जाता है। इंट्रोगेटिव, यहाँ कुछ सेंटेंसेस हमें एग्जांपल के तौर पे दिए हुए हैं, हम देखते हैं कैसे बनते हैं। इंट्रोगेटिव में इज दिस अ बुक, पूछते हैं ना आपसे क्या ये एक किताब है, तो आप कहते हो ना हाँ ये एक किताब है, तो इसका आंसर क्या होगा, यस इट इज अ बुक। दिस की जगह क्या आया, इट आया, यस। इज दिस अ बुक, यस इट इज अ बुक, यानी क्या हुआ, दिस की जगह क्या आया, इट आया, है ना। दिस के स्थान पर क्या लिखा जाता है, इट, हमने देखा ना आंसर में कैसे लिखेंगे, चेंज करेंगे। ओके, सेकंड है क्वेश्चन, आर दीज शर्ट्स, क्या ये कमीजे हैं, तो क्या होगा, यस दीज आर शर्ट्स, हाँ ये कमीजे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, इज दैट एन आस, क्या वह एक गधा है, यस दैट इज एन आस, वह एक गधा है, हाँ वह एक गधा है। इसे इस प्रकार से यस या नो में आंसर हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है, इंट्रोगेटिव है, आर दोज काउज, क्या वे गायें हैं। अब हमारे सामने गाय है और हम इससे कोई पूछेगा आर दोज काउज, क्या वे गायें हैं, तो हम क्या कहेंगे, यस वे गायें हैं, यस दोज आर काउज, यस दोज आर काउज, क्या है, यस दोज आर काउज, हाँ वे गायें हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है, इज दैट अ शिप, क्या वह एक भेड़ है, दैट यानी वह, दूर के लिए होता है ना, कोई भी सिंगुलर नाउन हो, दूर हो तो दैट का प्रयोग करते हैं हम, यस yes. इसमें आंसर देना है हमें, यस दैट इज अ शिप, हाँ वह एक भेड़ है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एक्सरसाइज टाइम, एक्सरसाइज 21 हम इसे आज सॉल्व करते हैं। आंसर दीज सेंटेंसेस, ये जो सेंटेंस है, वाक्य दिए हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना सारे, उनके आंसर देने, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल्स देखे थे ना उसी प्रकार से। ओके, फर्स्ट है हमारा, आर दीज कोट्स, क्या ये कोट हैं, क्या होगा, यस दीज, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है ना, जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना आर है, वो अंदर चली जाएगी और सब्जेक्ट बाहर आएगा, यस दीज आर, ए आर आर कोट्स, सी ओ ए टी एस कोट्स, यस दीज आर कोट्स। नेक्स्ट है, इज दैट अ कैप, क्या वह एक टोपी है, यस इट इज अ कैप, यस वह एक कैप है। नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन, आर दोज हाउसेज, क्या वे घर हैं, क्या होगा इसका आंसर, हाँ वे घर हैं, तो किस में देंगे, यस में आंसर देना है, तो कैसे देंगे, यस फिर क्या आएगा, दोज आर हाउसेस, एच ओ यू एस ई एस, यहाँ अच्छे से लिख नहीं पा रहे हैं, यस दोज आर हाउसेस। नेक्स्ट है, इज दैट अ क्लासरूम, क्या वह एक कक्षा है, कक्षा का है ना,
जिसमें हम बैठते हैं ना पढ़ते हैं उसे क्लासरूम बोलते हैं हम, कमरा है हमारी, कक्षा है, तो क्या है? यस, क्या देंगे उसका आंसर? यस दैट इज अ क्लासरूम, क्लासरूम, यस। नेक्स्ट है एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ए का, क्वेश्चन नंबर 5, इज दैट एन ईगल, क्या वह एक बाज है? ईगल यानी बाज, हाँ वह एक बाज है, यस दैट इज एन ईगल, यस दैट इज एन ईगल, हाँ वह एक बाज है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन बी, ट्रांसलेट इंटू इंग्लिश, इंग्लिश में बदलना है इसे, अंग्रेजी में बदलना है। फर्स्ट है हमारा हाँ वह एक नींबू है, हाँ में आंसर है ना, हाँ में बनाना है, तो हाँ के लिए हम क्या लिखते हैं? यस, फिर वह एक नींबू है, वह के लिए क्या होगा? दैट है के लिए इज, दैट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इज, और एक नींबू के लिए क्या आएगा? अ लेमन, क्या होगा? दैट इज अ लेमन, LEMON, लेमन। सेकेंड है हाँ वे बैल है, क्या होगा? हाँ के लिए यस, वे हैं बहुत सारे हैं, एक से ज्यादा हैं, तो क्या हो जाएगा? दोज, हमने दीज और दोज का प्रयोग सीखा ना, दोज हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? आर। बैल को क्या बोलते हैं? ऑक्शन, एक से ज्यादा है ना, ऑक्शन आएगा, एक के लिए ऑक्स, और प्लूरल क्या होगा? ऑक्स का, ऑक्शन, यस दोज आर ऑक्शंस, ऑक्शन। नेक्स्ट है हाँ वह मेरी स्कूल है, तो क्या होगा? यस, अब मेरी है, वह है, तो पहले दैट ले लेते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब इज, फिर किसकी स्कूल है? मेरी स्कूल है, यानी माय स्कूल, माय स्कूल, यस दैट इज अ, दैट इज माय स्कूल, हाँ वह मेरी स्कूल है। नेक्स्ट है हाँ ये कुर्सियां हैं, बहुत सारी कुर्सियां हैं, प्लूरल है, यस ये है, पास में ही है इसका मतलब, तो दीज आएगा, आर चेयर्स, CHAIRS, यस दीज आर चेयर्स। ओके नेक्स्ट है 5, हाँ वह एक हिरन है, यस दूर है हिरन, अकेला है, इसलिए क्या आएगा? दैट इज अ, हिरन को क्या बोलते हैं? डियर, DEER, डियर। ओके नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हाँ ये दो कौवे हैं, यस हाँ के लिए क्या आएगा? यस ये पास में ही है, तो क्या आ जाएगा? दीज, हेल्पिंग वर्ब आर, दीज आर, कितने कौवे हैं? दो कौवे हैं, टू क्रोज, CROWS, क्रोज, यस। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मी। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया हो और पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, थैंक यू।